जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरी तरह कुचलकर ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़कर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती दोनों मुकाबले में कुचलने के बाद तीसरे वनडे मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को खून के आंसू रुलाने के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरी तरह कुचलकर इस वनडे सीरीज को क्लीन स्वीप करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम से वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के मिली हार का बदला लेने के लिए भारतीय टीम के खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। और कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खतरनाक बदलाव किए हैं। ऐसे खतरनाक प्लेयरों के शामिल होने से ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ की पूरी तरह से सदमे में चले गए हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शुरुआती दोनों मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे धुरंधर खिलाड़ी भारतीय टीम के प्लेइंग 11 से बाहर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय टीम के ये खतरनाक खिलाड़ी भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले हैं। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को तीसरा मुकाबला शुरू होने से पहले हार का डर सताने लगा है। और दोस्तों, अब सभी को बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को क्लीन स्वीप का भी डर सताने लगा है, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी तरीके से जान चुकी है कि भारतीय टीम के प्लेयर कितनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के पखेजे उड़ा दिए हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम को हराना नामुमकिन है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम के खतरनाक खिलाड़ी सूर्य कुमार भी अपनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। लगता है कि दोस्तों आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ तीसरे वनडे की शुरुआत होने में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में कौन कौन से बसे बदलाव किए हैं, क्या रहने वाली है तीसरे वनडे मुकाबले में फाइनल प्लेइंग 11, आप सभी को बताएंगे आज की इस वीडियो में पूरी खबर। तो दोस्तों, आप सभी आज की इस वीडियो को पूरी तरह से जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए शानदार होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत कर लेंगे। लेकिन इससे पहले, आप सूर्य कुमार को वर्ल्ड का खतरनाक प्लेयर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 27 सितंबर को भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर से आमने सामने होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत होने से पहले 27 सितंबर को भारतीय टीम फिर से आमने सामने होने वाली है। अब रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में ऐसी बुके शेरों की एंट्री कराई है, क्योंकि दोस्तों इसे तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग में खुद कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों तीसरे वनडे मुकाबले में गायकवाड़ बाहर होने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि सुमन गिल अब काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। आप सभी को बता दें कि दोस्तों इन दोनों के अलावा विराट कोहली भी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जबकि दोस्तों चौथे नंबर की बात करें तो बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आने वाले हैं, और पिछले मैच में भी उनकी काफ़ी शानदार फॉर्म रही थी और अपने एक शतक भी लगाया था, और वे काफ़ी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए नजर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों पाँचवें नंबर की बात करें तो लोकेश राहुल मैदान पर नजर आने वाले हैं। दोहरे वनडे मुकाबले में राहुल ने अर्धशतक लगाया था और आने वाले हैं। वही दोस्तों छठे नंबर की बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से खतरनाक प्लेयर सूर्य कुमार बल्लेबाजी करने के लिए, जबकि दोस्तों सूर्य कुमार के अलावा सातवें नंबर पर हार्दिक पांड्या मैदान पर नजर आने वाले हैं। वहीं आठवें और नौवें नंबर की बात करें तो जडेजा और कुलदीप यादव मैदान पर नजर आने वाले हैं। दसवें और ग्यारहवें नंबर पर टीम में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। ये थी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 जो ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह कुचलने के लिए तैयार है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।